हेलो फ्रेंड्स, विशाल छाबड़ा एकेडमी वंस अगेन वेलकम्स यू ऑल। हम लोग सीरीज़ ऑफ 10 ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर्स ले रहे हैं सीटेट साइंस के पेपर 2 के, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द बैक 2019 हम लोग पहुंच गए हैं सीटेट 2013 के जुलाई के क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो स्टार्ट करें। अब तक तो आपकी काफ़ी रिविजन हो गई होगी। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द पेपर वेदर इट विल बी देयर ऑन 5th of July रिगार्डिंग कोरोना, बट हम अपनी तैयारी पूरी रखें तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन कि लास्ट मोमेंट में एकदम बंदा पैनिक नहीं करता। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर सीटेट पेपर 2 2013 जुलाई गोज, द स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ किचन गार्बेज इनटू मेन्योर आर गिवन बिनो इन अ जंबल फॉर्म। पहला है, मतलब रसोई घर के कचरे को खाद में परिवर्तित करने के लिए कुछ चरण है जो सही क्रम में नहीं है, नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट, पुट द गार्बेज इन द पिट। सेकेंड इज़ कवर द बॉटम ऑफ द पिट विद सैंड। थर्ड इज़ कवर द पिट लूजली विद अ ग्रास और अ गनी बैग या एड वर्म्स। कचरे को गड्ढे में डालिए, गड्ढे की तली में रेत की परत बिछाकर ढक दीजिए, गड्ढे को घास अथवा टाट के बोरे से पोला रखकर ढकिए और अब गड्ढे में केंचुआ डालिए। देखिए, इसमें सबसे पहली बात यह है कि हम लोगों को उसका बॉटम बनाना है, उसका बेस बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कवर द बॉटम ऑफ द पिट विद द सैंड। ठीक है ना, गड्ढे की तली में तेल की परत बिछाकर हम उसको ढक देंगे। पहला ऑप्शन तो ये हो गया। फिर दूसरा है कि अब हम क्या करेंगे इसमें, अगर हमारा बेस तैयार है तो उस पर वो कचरा डालेंगे, पुट द गार्बेज। तो विल गो सेकेंड स्टेप हमारा हो जाएगा कि कचरे को गड्ढे में डालिए। तीसरा ये है कि फिर हम वर्म्स डालेंगे, केंचुए डालेंगे, तो ये हमारा थर्ड स्टेप हो जाएगा। और लास्ट हमारा स्टेप हो जाएगा कि उसको ढक देना है हमने एक ग्रास से या गनी बैग से। ठीक है, सो द ऑप्शन इज़ बी ए डी एंड सी, सो विल गो विद ऑप्शन नंबर 3 बी ए डी सी विच इज़ राइट आंसर। ओके, वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू ऑर्गेनिजम्स आर बेस्ट फ्रेंड्स एंड लिव टुगेदर। One provides shelter, water and nutrients while the other prepares and provides food. Such an association of the organism is termed as. दो जीव बहुत अच्छे मित्र हैं, एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं। इनमें से एक जो है वो आवास, जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है, दूसरा भोजन बनाता है और प्रदान करता है। जीवों के इस संबंध को क्या कहते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है ऑटोट्रॉफी। ऑटोट्रॉफी इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से जो अपना खाना बनाते हैं उनको स्वपोषी कहा जाता है। राइट, तो पहला वाला आंसर तो ये गलत है, रॉन्ग है। ठीक है, फिर दूसरा है पैरासिटिज्म या परजीविता वो होती है जिसमें एक जो ऑर्गेनिज्म होता है वो दूसरे के ऊपर पूरी तरह निर्भर होता है और उसको परेशान भी करता है। जैसे जूं है, अब वो परेशान भी करती है और वो पूरी की पूरी निर्भर होती है हम खून के ऊपर जिसके ऊपर वो रहती है, तो पैरासिटिज्म भी नहीं होगा। ठीक है, हेटरोट्रॉफी या विषम पोषण वो होता है जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर दूसरे ऑर्गेनिज्म का डिपेंडेंट होना एक जनरल टर्म मानी जाती है। जैसे कि हम लोग प्लांट्स के ऊपर हैं डिपेंडेंट हैं, या हर्बीवोर्स जो हैं वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, कार्निवोर्स जो हैं वो हर्बीवोर्स पर डिपेंडेंट है। तो हेटरोट्रॉफी एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है, लेकिन सिम्बायोसिस या सहजीवन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ म्यूचुअली रहते हैं एंड एक दूसरे से एक दूसरे की हेल्प करके चलते हैं। द प्रोसेस नोन एज सिम्बायोसिस। इसका एग्जांपल जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो है जो कि रूट नोड्यूल्स में रहता है, किसकी? पल्सेस की। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के भी काम आता है। सो सिम्बायोसिस इज द राइट ऑप्शन। विल गो विद ऑप्शन नंबर 4। वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द एलिमेंट्री कैनाल द स्वॉलोड फूड मूव्स टू डाउनवर्ड्स। आहार नाल में निकला गया भोजन नीचे की ओर गति करता है, क्यों? पहला कि तो कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन द वॉल ऑफ द फूड पाइप, ये भी देखते हैं। दूसरा, द फ्लो ऑफ द फ्लूइड मटीरियल टेकन विद द फूड, क्या भोजन के साथ लिया गया तरल पदार्थ प्रभावित होता है? ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ऐसा होता है, गुरुत्वीय बल लगता है। या फोर्स प्रोवाइडेड बाय द मस्कुलर टंग, हृष्ट पुष्ट जीव भोजन को नीचे जाने के लिए बल प्रदान करती है। देखिए, एलिमेंट्री कैनाल में जो खाना होता है वो डाउनवर्ड मूव करता है ड्यू टू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ द मसल्स। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स जो होती हैं वो एलिमेंट्री कैनाल में होती है। एलिमेंट्री कैनाल मतलब वहाँ से स्टार्ट हो जाती है, बक्कल कैविटी से टिल एनस तक रहती है। तो उसमें जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है उसकी वजह से धक्का लगता है और वो नीचे की ओर जाती है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1 कि ग्रास नली की भित्ति की पेशियाँ संकुचन करती हैं जिसकी वजह से भोजन को आगे धक्का मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
frogs and earthworms breathe through their skin because of which the skin of both the organism is. मेंढक तथा केचुआ दोनों अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं, यही कारण है कि इन दोनों जीवों की त्वचा कैसी होती है। ऑब्वियसली स्किन उनकी मॉइस्ट होगी, स्लाइमी होगी, तभी उसकी वजह से ही जो है वो स्किन से ब्रीथ कर पाएंगे। आर्द्र होगी और श्लेष्मी होगी, स्लाइमी होगी मतलब फिसलती होगी और मॉइस्ट मतलब गीली होगी, तो ऑब्वियसली दैट विल बी ईजियर फॉर टेकिंग दी सांस लेने के लिए वो सही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, विल गो विद इट। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाइल गोइंग फॉर अ पिकनिक अ स्टूडेंट नोटेड द रीडिंग ऑन द ओडोमीटर ऑन द बस आफ्टर एवरी 10 मिनट्स टिल द एंड ऑफ द जर्नी। एक बच्चा जो है पिकनिक जाते समय किसी छात्र ने यात्रा समाप्त होने तक बस के ओडोमीटर का पाठ्यांक प्रत्येक 10 मिनट के पश्चात नोट किया। लेटर ऑन ही रिकॉर्डेड द रीडिंग इन अ टेबल शोन बिलो। उसने उसके बाद उन पाठ्यांकों को नीचे दर्शाई सारणी में लिखा। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है बस की इन द एंटायर जर्नी इन द मीटर्स पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में निकालनी है बस की समस्त यात्रा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात कि हमारी जो लास्ट रीडिंग है ओडोमीटर की वो है 78806, ठीक है, और जो फर्स्ट रीडिंग है वो है 78752। जब हम इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 54 meters आ जाएगी हमारे पास, ठीक है ये। और उसके बाद अब हमारा जो टाइम है वो है एक घंटा। एक घंटा आपको मालूम है एक घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, ठीक है, तो ये 54,000 क्योंकि किलोमीटर को मीटर में बदल रहे हो अपॉन 3600 सेकेंड, तो ये हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 15 meters per second, क्या आ जाएगा 15 meters per second। सो विल गो विद ऑप्शन नंबर ए विच इज़ द करेक्ट आंसर, 15 इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि जब हम 54,000 को, मैं करके दिखा देती हूँ उसको भी, 54,000 को 3600 से डिवाइड करेंगे तो ये देख लीजिए, देखो दो तो उठे 16, तीस बटा दो मतलब 15 meters per second हमारा आ जाएगा। विल गो विद द ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ करेक्ट। ओके नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू आर प्रोवाइडेड विद अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, अ कॉन्वेक्स मिरर एंड ए कॉन्वेक्स लेंस। आपको एक अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दिया गया है। टू ऑब्टेन एन एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू कैन यूज ईदर आवर्धित विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। आपको पता है ये मैंने टेबल करवाया हुआ है अपनी वीडियो में, उसमें मैंने सारा बताया हुआ है कि किसमें कैसी इमेज बनेगी। तो ये तो खैर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस हैं जो कि किसी भी मैग्नीफाइड इमेज को एनलार्ज इमेज बना के देते हैं, मतलब एनलार्ज इमेज बनाते हैं ऑब्जेक्ट की, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ सेट ऑफ खरीफ क्रॉप। आपको पता है दो तरह के क्रॉप्स होती हैं, खरीफ होती है, रबी होती है। तो इसमें खरीफ का उन्होंने पूछा है, तो सिंपल आंसर है ये कि ग्राम, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, वीट, चना, सरसों, मूंगफली और गेहूं जो है खरीफ फसलें हैं, ठीक है। तो विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ वीड्स ऑन द क्रॉप प्लांट्स। दे हेल्प मतलब हमें फसली पौधों पर खरपतवार के प्रभाव के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोगों को बताना है कि ये क्या करते हैं। पहला है दे हेल्प क्रॉप प्लांट्स टू ग्रो हेल्दीली। क्या वो फसली पौधों के आरोग्य वृद्धि में सहायता करते हैं, बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। दूसरा है दे इंटरफेयर इन हार्वेस्टिंग, कटाई में बाधा उत्पन्न करते हैं, यस बिल्कुल ठीक है। दे अफेक्ट द प्लांट ग्रोथ, वो पादप की वृद्धि को भी प्रभावित करते हैं, बिल्कुल करते हैं। उनका खाना खा जाएंगे, उनके न्यूट्रंस ले लेंगे, उनकी जगह ले लेंगे, लाइट ले लेंगे, ये भी ठीक है। तो बी सी डी इज़ द राइट ऑप्शन, विल गो विद ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ बी सी डी, जो बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वी ऐड एल्यूमिनियम फॉइल टू फिश फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ए गैस इज प्रोड्यूस। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली स्टेट्स द प्रॉपर्टी ऑफ दिस गैस। देखिए जब भी कोई ऐसी इक्वेशन दी जाए ना तो आप बनाया ज़रूर करो। जैसे एल्यूमिनियम फॉइल है उसको हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा है, तो NaAl
ओ टू बन जाएगा प्लस एच टू गैस निकलेगी, ठीक है। ये भी मैंने जो मेटल ऑक्साइड्स करवाए थे उनके पूरी मैंने रिएक्शंस बताए थे, मेटल्स विद एसिड्स, मेटल्स विद बेसिस, ये मैंने कंप्लीट अपनी वीडियो में ये करवाया था, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा मेरे चैनल में जाकर, और टॉपिक सर्च करेंगे एसिड बेसिस सॉल्ट्स का, मेटल्स और नॉन मेटल्स का, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। वैसे मैं सीटेट की एक पूरी कंप्लीट ही प्लेलिस्ट बना दूंगी, दैट विल बी ईजियर फॉर यू। तो खैर इसमें क्या हो जाता है कि कलरलेस एंड ओडरलेस गैस विच प्रोड्यूसेस अ पॉप साउंड व्हेन अ बर्निंग मैचस्टिक इज ब्रॉट नियर इट, मतलब एक रंगहीन गैस निकलती है और जलती माचिस उसके पास तीली लाने पर वो पॉप ध्वनि के साथ करती है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स विल चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस रेड, नीचे दिए गए ऑक्साइड में से किसका जली विलयन नीले लिटमस का रंग लाल कर देगा। देखिए नीला लिटमस रेड हो रहा है तो इसका मतलब ये है तो एसिड, क्या है ये एसिड है, क्योंकि जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, ठीक। अब कॉपर ऑक्साइड जो है वो तो एसिड नहीं बनाएगा, क्यूपरिक एसिड ऐसा तो कुछ नहीं बन सकता, आयरन ऑक्साइड भी कोई आयरन का एसिड नहीं बनेगा, मैग्नीशियम का नहीं बनेगा। सल्फर डाइऑक्साइड को अगर वाटर के साथ एक्वे सॉल्यूशन मतलब वाटर के साथ रिएक्शन किया जाता है तो उसके बाद यहाँ पे दो गैसेस सल्फ्यूरस एसिड निकल सकता है या सल्फ्यूरिक एसिड निकल सकता है, दोनों ही एसिड्स हैं, एंड जो भी निकलेगी गैस तो वो दैट विल कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड, तो विल गो विद द ऑप्शन नंबर 4 विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is a pair of exhaustible natural resources? कौन से ऐसे हैं संसाधन जो कि समाप्त होने वाले हैं? देखिए which can be जो कि बिल्कुल समाप्त हो सकते हैं। अब इनमें पेट्रोलियम मिनरल्स और वाइल्ड लाइफ तो भी नहीं लगता, खनिज तथा वन्य जीव नहीं है, सनलाइट का नहीं लगता, नेचुरल गैस नहीं है, कोयला और मृदा नहीं है, तो विल गो विद ऑप्शन नंबर 2 पेट्रोलियम एंड वाटर। पेट्रोलियम तथा जल एक ऐसी ऑप्शन हैं जो कि कंप्लीटली एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं और उनको बनने में भी काफ़ी टाइम लगता है। विल गो विद ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द एंडेमिक स्पीशीज, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज, इन्होंने आंसर ही अपने आप ही दे दिया आपको कि विषय में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। एंडेमिक स्पीशीज वो होती हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में निश में रहती हैं, स्पेसिफिक हैबिटेट में रहती हैं, ठीक है। तो इन्होंने खुद ही आंसर दे दिया, देखिए हिंदी का साथ में लिखा हुआ है विशेष क्षेत्रीय, ठीक है। तो दे आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन दी स्पेसिफिक हैबिटेट, तो विल गो विद ऑप्शन नंबर 3 कि केवल विशिष्ट आवास में ही पाई जाती हैं, बाकी के ऑप्शंस गलत हैं। विल गो विद ऑप्शन नंबर 3 विच इज एब्सोल्युटली राइट। वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रिलेटेड टू द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, नीचे दिए गए युगलों में से कौन सा युगल लक्षणों की आनुवंशिकता से संबंधित है। देखिए आपको भी पता है अगर हम लोग फर्स्ट ऑप्शन में जाते हैं क्रोमोसोम जीन्स, हाँ ये दोनों ही जो हैं वो आनुवंशिकता से रिलेटेड हैं, इनकी ही वजह से द कैरेक्टर्स आर पास्ड ओवर टू द नेक्स्ट जनरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो पावर हाउसेस कहे जाते हैं, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन का कोई मतलब नहीं है जीन्स को आगे बढ़ाने में, कैरेक्टर्स को आगे बढ़ाने में। इसी तरह से फोर्थ ऑप्शन भी गलत है, तो विल गो विद ऑप्शन नंबर 1 क्रोमोसोम्स एंड जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग दी कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है। विल गो विद ऑप्शन नंबर 1 विच इज एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स गिवन बिलो द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स इज रेफरेंस टू एन एनिमल सेल, एनिमल सेल में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उसके बारे में बताना है। नीचे दिए गए पदों के विभिन्न संयोजनों में से जंतु कोशिका के संदर्भ पदों का कौन सा संयोजन सही है, तो हमारा हम देखेंगे न्यूक्लियस है, प्लास्टिड है, देखिए प्लास्टिड तो जो होते हैं वो उसमें होते हैं प्लांट सेल में, जिसकी वजह से प्लांट्स का ग्रीन कलर होता है, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। दूसरी बात सेल वॉल भी नहीं होती, ठीक। तीसरा है सेल मेम्ब्रेन क्रोमोसोम राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ ये ठीक लग रहा है। और चौथा में क्लोरोप्लास्ट है, तो वो बिल्कुल वो प्लांट सेल में होगा, तो हमारे लिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, जिसमें सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली क्रोमोसोम होते हैं राइबोसोम होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में देखिए कोई खास बिल्कुल फ़र्क नहीं है, मेम्ब्रेन को बस झिल्ली लिखा हुआ है, बाकी आप बिल्कुल उसी को हिंदी में लिखा हुआ है उन्होंने, देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस, ठीक है। चलो वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। कंसिडर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव टर्म्स, हमें नीचे दिए गए जनन से संबंधित पदों के समुच्चय पर विचार करना है। पहला ऑप्शन है स्पर्म ओविडक्ट एग और यूट्रस, आप खुद ही सोचिए कि स्पर्म के साथ एग और यूट्रस, बड़ा अजीब सा लग रहा है, ये ऑप्शन मुझे गलत लग रहा है। दूसरा है ओविलेशन एग ओविडक्ट और यूट्रस, हाँ ये मीनिंग बना रहा है कि अंडोत्सर्ग अंड अंडवाहिनी और गर्भाशय,
फिर है स्पर्म, टेस्टिस, स्पर्म डक, पेनिस और शुक्राणु, वृषण, शुक्राणु, नलिका, शिशन, हाँ ये भी सब एक ही फैमिली के लग रहे हैं। फिर मेंस्ट्रुएशन है, एग है, ओविडक्ट है, यूट्रस है, ऋतुस्राव, अंड, अंडवाहिनी, गर्भाशय, ये भी सब ऑल एक फैमिली के हैं। सिर्फ एक ए है जो बाहर, जो कि आपस में कोई रिलेशन नहीं बना रहा। तो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर बी सी डी। बी सी डी देखा जाए तो सेकेंड इज अ राइट आंसर, विल गो फॉर द ऑप्शन नंबर टू। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स मस्ट बी अवेलेबल इन वाटर फॉर द मेटामॉर्फोसिस ऑफ टैडपोल्स। टैडपोल के कायांतरण के लिए जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की उपलब्धता आवश्यक है। मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था, ये 2014 फरवरी में भी शायद ये क्वेश्चन आया था, उसमें इन्होंने ये बताया था कि एक्चुअली जो मेटामॉर्फोसिस होता है, जो टैडपोल से एडल्ट बनता है, उसमें आयोडीन की ज़रूरत होती है थायरोक्सिन हार्मोन के लिए, ठीक है, जो उनकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो वो आयोडीन जब तक ना हो तब तक वो थायरोक्सिन जो है वो एक्टिवेट नहीं होता, थायरोक्सिन हार्मोन काम नहीं करता, तो उसकी वजह से जो है मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाता, टैडपोल से एडल्ट नहीं बन पाता फ्रॉग। तो फॉर दिस टू हैपन मेटामॉर्फोसिस होने के लिए हमें आयोडीन, फ्रॉग्स को आयोडीन की ज़रूरत होती है। तो विल गो विद ऑप्शन नंबर फोर। फिर नेक्स्ट है, ये तो पैडागॉजी के क्वेश्चंस हैं। कंटेंट के ऊपर जाएं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, यस 87 क्वेश्चन। गिवन बिलो आर द स्टेप्स टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन अ फूड आइटम। खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए कुछ चरण नीचे दिए गए हैं। ये चरण सही क्रम में नहीं है, दीज आर नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर, आपको इनको चरणों को सही क्रम में देना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम इन अ टेस्ट ट्यूब, एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर इनटू इट एंड शेक इट। दूसरा है मेक द पेस्ट ऑफ पाउडर ऑफ द फूड टू बी टेस्टेड। तीसरा है ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा सॉल्यूशन टू द टेस्ट ट्यूब एंड शेक वेल। एंड चौथा है ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू इट। पहला है कि खाद्य पदार्थ का कुछ भाग परखने में लेकर इसमें 10 बूंदें जल की डालिए और परखने को हिलाइए। दूसरा है परीक्षण किए जाने वाले खाद्य पदार्थ का पाउडर अथवा पेस्ट बनाइए। तीसरा है फिर उसमें कास्टिक सोडा डालिए और चौथा है 2 बूंद कॉपर सल्फेट डालिए। देखिए इसमें सबसे पहली बात यह है कि पहले तो पेस्ट और पाउडर बनाओगे तभी जाके इसका सोल्यूशन बनेगा। तो ऑप्शन पहले वाला बी, सबसे पहले जो आएगा वो बी आएगा। उसके बाद है फिर उसको हम टेस्ट ट्यूब में लेंगे, पानी में डालेंगे, घोल बनाएंगे, तो ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तीसरा ये है कि उसके बाद हम लोग इसमें क्या डालेंगे, कॉपर सल्फेट डालेंगे। फिर चौथा है कि हम कास्टिक सोडा डालेंगे। तो हमारे जो करेक्ट सीक्वेंस आ जाएगी वो आ जाएगी बी ए डी सी। बी ए डी सी हमारी ऑप्शन नंबर टू है, तो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर टू, ठीक है। ये प्रोटीन के टेस्ट हैं, 7th क्लास के एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इसको मैंने अपनी वीडियोस में ये भी कवर किया हुआ है कि कैसे सारे जो टेस्ट हैं प्रोटीन का है, चाहे स्टार्च का है, फैट्स का है, तो आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स कंस्टिट्यूट द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। हम लोग फीमेल पार्ट का बहुत सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया हुआ है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी होता है, ठीक है, और ये इसकी सारी वीडियोस मैंने बना के रखी हुई हैं, वो आप देख लीजिएगा। ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है। तो ऑब्वियसली इसमें हम ऑप्शंस देखेंगे, स्टिग्मा, ओवरी एंड स्टेमन कुछ नहीं है, स्टिग्मा, ओवरी एंड स्टाइल। सेकेंड ऑप्शन जो है वर्तिकाग्र, अंडाशय या वर्तिका, दिस इज द राइट ऑप्शन, सो विल गो विद ऑप्शन नंबर टू विच इज़ करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मसल्स वर्क टुगेदर टू मेक अ बोन। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए कितनी पेशियां मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। देखिए दो मसल्स होती हैं, एक गोनेस्टिक मसल्स होती हैं, एक एंटागोनेस्टिक मसल्स होती हैं। गोनेस्टिक मसल्स वो होती हैं जो कि मूवमेंट को प्रमोट करती हैं, ठीक है, और एंटागोनेस्टिक होती हैं जो उसको अपोज करती हैं। तो दो तरह की मसल्स जो हैं जिसकी वजह से बोन हिलती है, तो दे आर ओनली टू मसल्स, ठीक है। विल गो विद ऑप्शन नंबर वन। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज चूज द सेट दैट रिप्रेजेंट्स ओनली द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट। दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, उस समुच्चय का चयन कीजिए जो किसी आवास के केवल जैविक अवयवों का निरूपण करता है। पहली बात यह है कि दे आर टू कंपोनेंट्स, एक होता है बायोटिक, एक होता है एबायोटिक। एबायोटिक में आ जाते हैं पानी हो गया, मिट्टी हो गया, बायोटिक में आते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं। तो अब आप देखिए पहले वाले में रॉक्स हैं, चट्टाने हैं, तो वो तो हो नहीं सकता। दूसरे वाले में सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये ठीक है। तीसरे में फिर मिट्टी दे दी है, सॉइल दे दी है, ये गलत है। चौथे वाले में फिर वाटर दे दिया है, ये भी एबायोटिक कंपोनेंट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर टू, वेयर दे आर ऑल बायोटिक कंपोनेंट्स, फ्लोरा एंड फोना। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, फ्लोरा मतलब जो उसका प्लांट किंगडम जाता है, और फोना जो मतलब एनिमल किंगडम आ जाता है। इन दोनों को मिलाकर बायोटिक कम्युनिटी बनती है।
So that's all for today. We have covered till July 2013. In the next video, I'll be coming with the next paper. And उसके बाद हम लोग अपना बाकी revision start करेंगे. अगर paper होता है तब भी, अगर थोड़े time बाद postpone होता है तब भी. Till then, take care. And if you really like my videos, please like, share and subscribe and press the bell icon. Good night. Bye-bye.